नमस्कार दर्शकों, बंधन समाचार में मैं हूं आपके साथ ऋचा वर्मा। खबर चला बिजनौर के चांदपुर से है, जहां से हम आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता एसपी गुप्ता की खास रिपोर्ट। चांदपुर तहसील में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें 64 शिकायतें प्राप्त हुई और 4 शिकायतों का निस्तारण किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देश अनुसार चांदपुर तहसील के विशाल सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण रामर्श ने की। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अरविंद कुमार ने शिकायतों को सुनते हुए कहा कि शिकायतों का निस्तारण पारदर्शिता के साथ होना चाहिए, शिकायतकर्ता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को बुलाकर कड़े निर्देश दिए। अपर जिलाधिकारी ने तहसील में आने वाले सभी फरियादियों की शिकायत को सुना और संबंधित विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। संपूर्ण समाधान दिवस में राजस्व की 27, पुलिस विभाग की 17, विकास विभाग की 11, विद्युत विभाग की 4 व अन्य विभागों की 5 शिकायतें प्राप्त हुई। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 64 शिकायतें आई, जिनमें से 4 शिकायतों का निस्तारण किया गया। संपूर्ण समाधान दिवस में उपजिलाधिकारी मनोज कुमार, तहसीलदार प्रभा सिंह, खंड विकास अधिकारी जलीलपुर ओमवीर सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी जलीलपुर महेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। और इसी के साथ जुड़े रहे बंधन समाचार के साथ।